आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे रेलवे के सेफ्टी फीचर से एक बड़ा हादसा टल गया। यहां सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन से पहले समपार फाटक पर एक यात्री बस बीच पटरी पर खराब हो गई। एक और रेलवे फाटक का बैरियर गिर चुका था तो वहीं दूसरी ओर वाहनों का जाम लग गया था। बस में महिलाओं और बच्चों सहित करीब 35 यात्री सवार थे। ठीक इसी वक्त कटनी की ओर से ट्रेन आने का समय हो गया था। एक बैरियर न गिरने से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया और रेड सिग्नल होने की वजह से ट्रेन 500 मीटर पहले ही रुक गई। हालांकि ट्रेन को देखकर बस में सवार यात्रियों की सांसें फूल गई थी। तभी बस में सवार सभी यात्री जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि रेलवे फाटक में बस के फंसने के बाद यात्रियों की जान पर बनाई थी। इस घटना का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया गया कि रेलवे क्रॉसिंग गेट बंद होने का अनाउंसमेंट होने के बावजूद ड्राइवर ने बस निकालने की कोशिश की, तभी बस रेल पटरी के बीचों बीच ट्रैक पर खराब हो गई। इसी बीच यात्रियों को एक ट्रेन दूर से आती दिखी, जिसका हॉर्न सुनते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया और वह बस से उतरकर भाग खड़े हुए। हालांकि ग्रीन सिग्नल ना मिलने के कारण ट्रेन 500 मीटर पहले ही रुक गई थी, जिसके बाद बस को ट्रैक से हटाया गया और इसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया है।